गुड इवनिंग एवरी वन, आई एम सक्षम पांडे, योर फिजिक्स टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर करेंट इलेक्ट्रिसिटी। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, या फिर उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, दोनों ही ईजी टॉपिक है। अगर रेजिस्टेंस समझ में आ गया है तो, अगर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, उसके ग्राफ, VI ग्राफ समझ में आ गए तो आज की क्लास इजी लगेगी, वरना ऊपर से जा सकता है। बाउंसर, लेक्चर 46। चलो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। हाँ, इसमें स्लोप तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े ना। हाँ, अब देखो पहला फैक्टर जो होता है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है? टेम्परेचर। द राइज इन टेम्परेचर, व्हाट विल दिस कॉज राइज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर? तो ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। टेम्परेचर एंड रेजिस्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो बड़ी इजी सी है कि कोई भी अगर हमारा कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू द रूम टेम्परेचर। अगर हम लोग और हीट इसको दे दिए तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसको और मूवमेंट बढ़ जाएगा, विच विल कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करेंट। चलो ये इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है इसका। सेकेंड, द लेंथ ऑफ द वायर, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो शार्क, लेंथ ऑफ द वायर से क्या रिलेशन है? पहली बात तो रेजिस्टेंस का, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तुम्हारा तो आंसर ही गलत है, एक्सप्लेन क्या करोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों लोग, उसने बोला भी अभी अभी। हाँ देखो, हमारा पहले वायर इतना बड़ा है, ठीक है, इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लेट दिस लेंथ बी एल, तो रेजिस्टेंस भी आर। अब अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी डबल हो जाएंगे। ऐसे समझो कि तुम लोग रोड पे जा रहे हो, एक रोड पतली ही रोड और लंबी हो गई, तुम्हें पहुंचने में और देर लगेगी ना, क्योंकि तुम्हें और इलेक्ट्रॉन्स को टैकल करना पड़ेगा। तो जैसे ये 2L होगा तो 2R भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द वायर का इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अब द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और द एरिया ऑफ द वायर, द थिकनेस ऑफ द वायर, तीनों टर्म में से कोई भी आ सकता है, और ये वाला पूछा जा सकता है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एरिया ऑफ द वायर और द थिकनेस। चलो कुशाग्र ट्राई करो, कैसा रिलेशनशिप है इसका रेजिस्टेंस के साथ, इसका कैसा रिलेशनशिप है? हाँ, एरिया के साथ, मतलब वायर के जितना एरिया होगा उसका कैसा रिलेशनशिप होगा रेजिस्टेंस के साथ? वेरी गुड, वन अपॉन रेजिस्टेंस।
और इसको भी अपने वही वाले एग्जाम्पल से जोड़ लो। अब तुम्हारी रोड क्या हुई, लेंथ वही है, मोटाई बढ़ गई है ना, तो गाड़ी आराम से चल लोगे। हाँ, ज़्यादा उसको गैप मिल गया, पहले मोटाई इतनी थी, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे, अब लेंथ मेंटेन्ड रही लेकिन थिकनेस बढ़ गई, ठीक है, तो इसको ज़्यादा स्पेसेस मिल जाएंगे तो करंट आराम से फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका इन्वर्स रिलेशन है इसके साथ। और फिर लास्ट, दैट इज़ द मटीरियल ऑफ द वायर, द मटीरियल ऑफ द वायर, सही भी है, बात भी है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम जितना उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा उतनी उसके रेजिस्टेंस कम, ठीक है। अब देखो, कंडक्टर का बहुत ही अलग नेचर होता है, हमारे सेमीकंडक्टर का बहुत अलग नेचर होता है, और हमारे इंसुलेटर्स का भी बड़ा अलग नेचर होता है। तो हम लोग जब तक बात करेंगे, बिना मैंने स्पेसिफाई किए कि मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बता रहा हूँ या मैं इंसुलेटर के बारे में बता रहा हूँ, मतलब मैं जब तक बताते रहूँगा तो तब तक समझना मैं सिर्फ कंडक्टर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का अलग चलता है रिलेशनशिप, लेकिन ये ऐसे समझ लो कि सेमीकंडक्टर होते हैं जो थोड़ा बहुत पास होने देते हैं, थोड़ा बहुत नहीं होने देते हैं, ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे उसको। अब इसमें एक और भी दिक्कत आती है कि जितना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा वो, उतना ही उसका टेम्परेचर राइज करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर उतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर भरा हुआ है, ये तुम्हारे क्लास में नहीं है, हाँ उतना ही ज़्यादा टकराव होगा, और यही टकराव ही रीज़न है हीट एनर्जी के राइज होने का, मगर ये आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन बस बता दे रहा हूँ। और वही दिक्कत होती है इंसुलेटर के साथ, इसीलिए इंसुलेटर्स गर्म ही नहीं होते हैं, इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो टकराएंगे किस चीज़ से, करंट तभी फ्लो कर सकता है जब किसी मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे इस वुड के पास अभी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलो, ये चार फैक्टर्स हो गए इफेक्ट करने वाले। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ईयर मुझे नहीं याद आ रहा, पर बोर्ड्स का क्वेश्चन है ये। VI ग्राफ है और तुम्हें बताना है, पहली बात तो क्वेश्चन है कि दोनों में से A एंड B में से ओमिक कौन सा है, ओमिक कंडक्टर कौन सा है, और दूसरा दोनों में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। दोनों के हिसाब से दोनों ही ओमिक है, ठीक है, और टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा। टेम्परेचर ही है, मतलब वो ए का T1 है और बी का T2 है, ए का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अच्छा, और तुम्हारे हिसाब से प्रक्षत, यही है। अच्छा, सोचो रीज़न भी अच्छा स्टेट करना, टेम्परेचर के बाद बताने के बाद रीज़न भी बताना, वो रीज़न भी पूछा था। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, तीन पार्ट थे,
कि ओमिक कौन से होंगे, दूसरा रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तीसरा टेम्परेचर। हाँ ओमिक है। बी का टेम्परेचर तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा हो, मतलब टी टू। चलो अब दोनों लोग रीज़न अपने अपने आंसर के पीछे दो। ठीक सर, ये जो टी वन है, हाँ इसमें जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो सर उस हिसाब से करंट नहीं हो रहा ज़्यादा, तो और इसका करंट और वो पोटेंशियल डिफरेंस एक साथ ही बढ़ रहा है लगभग, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक, रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से अपना रीज़न क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे तो डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है? तुम दोनों चीज़ बोल देते हो, एक फाइनल आंसर दो। अब तुमने, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम मुझे ही ऑप्शन दे देते हो आंसर में। सर जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। तुमने एक सही चीज़ भी बोली थी, लेकिन तुम्हारा जब कॉन्फिडेंस गलत जगह हाई रहता है। देखो कुशाग्र का आंसर सही है, लेकिन वो इतना कंफ्यूज्ड आत्मा है ना। देखो ओमिक वाला तुम लोगों को समझ में आया कि हाँ एक्सटेंड करें तो ये दोनों ही ओमिक है। दूसरा तुम्हें ये देखना था किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए का कि बी का। ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है? ए का ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखो ज़्यादा एंगल बना रहा है, मैंने बोला था ना जिसका थीटा ज़्यादा हो वही ज़्यादा रेजिस्टेंस रखेगा अपने साथ। इसको तुम वैल्यूज से भी कर सकते थे, क्योंकि आर वी बाई आई है। ठीक है, तो वी इसका ज़्यादा है, इसका कम है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्योंकि ए का ज़्यादा है और आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो क्योंकि ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, यही उसका रीज़न है। ठीक है, टेम्परेचर तुम्हें बोलना था टी वन इज़ ग्रेटर दैन टी टू, और रीज़न में क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। आई वी, हाँ आई वी में अलग अलग चीज़ें चलने लगेंगी। अब मैंने बोला तो तुमको कि तुम बीच बीच में सही बोल रहे हो, फिर तुम बोल दे रहे हो नहीं इन्वर्सली है। वही मैं पूछा तुमसे कि एक बार फाइनल बताओ अपना, सब सही बोले, आखिर में बोले क्योंकि सर वो इन्वर्सली है, डायरेक्टली बता रहे हो। अगर ये आई वी होता तब केस उल्टा हो जाता, तब टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता बी का, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता। ठीक है, ए का रेजिस्टेंस का। हाँ तुम सब सही बताते हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा काम होगा। और ये खास ध्यान देना आई वी है कि वी आई है, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं लोग। चलो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे आते हैं। कुछ है नहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बस नाम में स्पेसिफिक है ना, तो ये स्पेसिफिक होके बताता है कि हाँ कोई मटेरियल आपने लिया है, हाँ किसी कंडक्ट, जैसे मैंने बोला रेजिस्टेंस, तो तुम रेजिस्टेंस तब कैलकुलेट करोगे जब मैं तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस और आई दूँ, है ना, तभी कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है ना, वो क्या करती है स्पेसिफिक बता देती है, मतलब तुम्हें तब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता रहेगी। वैसे ये भी किसी कंडक्टर, जैसे कॉपर की हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता है, मतलब उसके कुछ अमाउंट का, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे किस अमाउंट का, कि कुछ अमाउंट के कॉपर का हमें, जैसे मान लो इतने अमाउंट ऑफ कॉपर की मुझे रेजिस्टेंस पता है और इसकी कुछ डायमेंशंस हैं। अब मैं डायमेंशंस बढ़ाऊं या कम करूं, उसी हिसाब से रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर लूंगा अगर मुझे इसका पता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही बताने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ही आता है। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब तुम लोग को ये बताना है, पहले बताओ आर का
रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्टली। और इसका एरिया के साथ कैसा रिलेशनशिप है आर का? हाँ, तो ए स्क्वायर है ना। तो अब दोनों को अगर मैं साथ में लिख दूं तो आर इज एल बाय ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं साथ में लिख दूं, सही है। अब जब मैं ये साइन हटाता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यही कांस्टेंट हो जाता है एक रो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रो, और यही है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला वहां से निकल के आता है कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना। अब ऐसे में क्या होता है कि हमें यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया लेना पड़ता है। उसका मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब होता है वन। तो जब किसी भी चीज का, मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक क्यूब लिया किसी मेटल का, हम लोग स्टार्टिंग से कॉपर लेते आ रहे हैं तो अभी भी कॉपर ही लेते हैं। ये कॉपर एक का कहीं क्यूब है, और इसकी क्या खास बात है कि इसके सारे डायमेंशन एक मीटर के हैं, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक मीटर की हैं। अब तुम लोग बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा? वन मीटर, ठीक है। अब ये वन मीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा वो कॉपर का मेंटेन रहेगा। अब हम टू मीटर क्यूब कर दें तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर हमें वन मीटर क्यूब पता चल गया इसका रेजिस्टेंस, तो हमारा काम बन जाएगा। और वही वन मीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस आएगा ना, वही होगा, ठीक है। यही रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टिविटी, जैसे हमारा था नहीं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी रेजिस्टेंस है, और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ग्राम, वैसे ही एक मीटर क्यूब के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे तब उसकी वो बातें आएंगी, ठीक है। अब मुझे अगर रेजिस्टिविटी किसी चीज़ की जाननी है तो हम क्या करेंगे? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, मतलब हम लोग ने इस एक मीटर क्यूब पे जो भी करंट जा रहा था, मतलब रेजिस्टेंस हम लोग ढूंढना जान ही गए, वी अपॉन आई करके रेजिस्टेंस ढूंढ लिए इसका, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के एरिया से, ठीक है, इसके एरिया से और इसके लेंथ से। तो अब इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी? रेजिस्टेंस की आएगी ओम, है ना, मान लो वन ओम इंटू वन मीटर स्क्वायर अपॉन वन मीटर, वन मीटर, तो ये मीटर मीटर स्क्वायर को काट दिया, हाँ, तो इसका क्या हो जाता है? वन ओम मीटर, ठीक है। तो ये होता है वन रो की वैल्यू वन ओम मीटर है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? रो, अरे ओम मीटर, है ना, ये इसकी एसआई यूनिट है। इससे रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, ये दोनों सबसे मेन फॉर्मूला है। बड़ा खराब बन गया यार। यही है इसकी समरी, समझने के लिए क्यूब वाला ही डायग्राम समझ लो, ये क्यूब वाला, ये हाँ बेटा, नहीं वो पी नहीं रो है, क्यों चले गए क्लास से तुम? कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुकना तो तुम्हें, पूछिए ना, आपके बगल में बैठा है। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट रहेगा जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। ओनली व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कोई बताएगा क्यों? मतलब हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नहीं, ये तुम्हें ध्यान रखना है,
ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर वो पूछ लेता है एमसीक्यू में कि क्या पता हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी का, तो तुम बताओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या, उसकी तब भी मेंटेन रहेगी। तो किसी की भी रेजिस्टेंस हमें स्पेसिफाई करके बताता है कि कॉपर का 1 मीटर क्यूब हम लोग ने लिया है, इसका टेम्परेचर ये है, इस पर इसकी रेजिस्टेंस ये है ना। इस पर न्यूमेरिकल ज़रूर बनते हैं कि कोई चीज़ जब ठंडी है तो रेजिस्टेंस इतनी शो कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ जब गर्म हुई तब कितनी रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। तो वैसे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे आज ही क्लास में। अरे बहुत न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल अपने साथ रखती है, लेकिन इतना है कि मुश्किल नहीं होता है अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तो। वो तो चलो, अगर मैं इसका अरेंजमेंट भी तुम्हें दिखाऊं, इसी क्यूब पे अब अरेंजमेंट अगर दिखा दूं तो ऐसे ही तो इसमें करंट पास हो नहीं जाएगा। चलो तुम लोग का आज काम है, बताओ कि मैं इससे करंट कैसे पास कराऊं। अभी एक कंडक्टर मेरे पास है ये 1 मीटर क्यूब का, चलो दो वायर लाया, वायर ना बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच भी लेते हूँ, चलो ठीक। ठीक है, मुझे रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है। हाँ बहुत बढ़िया, नहीं सीरीज, ठीक है आगे बताओ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे इतने में। चलो तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराने लगी, करंट भी तुम कैलकुलेट कर ले रहे हो अपना। हाँ वोल्ट मीटर, गुड। वोल्ट मीटर कैसे कैलकुलेट, ऐसे ऐसे फिर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये हमें रीडिंग देगा आई की, ये वी की देगा, तो आर निकल आएगा इतने में, ठीक है। फिर इसको हमें डाल देना है इस फॉर्मूले में, ये एम मीटर हमें करंट देगा, वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज देगा, फिर उसको डाल देना है इस फॉर्मूले में। तो आर वहाँ पे निकलेगा, ए तो पता ही रहेगा इसका, एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है। लेंथ में तो कोई भी डायमेंशन तुम ले सकते हो क्योंकि वो एक क्यूब है। चलो तो ये अरेंजमेंट हुआ इसका, कुछ भी कॉपी करना तो कर लो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आसान है, नाम भले मुश्किल लगे पर आसान है। ओमिक नॉन ओमिक रेजिस्टर घर जाके याद किए, याद भी कर लो इसको अच्छे से। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसलिए बोल रहा हूँ याद कर लो। चलो अच्छा कॉपी कर लो उसको। इसको कॉपी करो, मैं पानी लेके आ रहा, इसको कॉपी करो मैं पानी लेके आ रहा। चलो आई होप रेजिस्टिविटी समझ में आया। कॉपी हो गया, मेन मेन चीज़ें कर लो, ये फॉर्मूले कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। SI यूनिट्स बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, उसी से तुम पहचानोगे क्या क्या है। और ओम जनरली नहीं लिखते, एम मीटर स्क्वायर, ये मीटर से कट गया है। चलो अब जैसे रेजिस्टिविटी है, तुम लोगों का काम है जल्दी से बता दो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा। वेरी गुड, ठीक है।
तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, वन अपॉन रो, कंडक्टिविटी हो जाएगा वन अपॉन रो, है ना, रो की पूरी चीज उठा के यहीं पे डाल दिया, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, कौन कहां से आ गया, रो है ये, रो तो पिछले ही, यही तो है ये रो, दिस इज आर रो, तो इन सबको ही तो ये लेके बैठा हुआ है, तो इन सबको इन्वर्स करने से अच्छा इसी को लगा दो, कौन, तो ये इससे डायरेक्टली है, तो एक ही नेचर तो हुआ। अच्छा चलो, इसको अगर मैं वहां पे पुट करूं तो ये पूरा इक्वेशन इनवर्स हो जाएगा, तो देखो सेम ही चीज आने वाली है, तुम यहां से अपने रो की वैल्यू ढूंढ के या तो वहां जाके उसको इनवर्स कर दो, या तो रो की वैल्यू ना ढूंढ के ये पूरा ही फॉर्मूला इनवर्स करके वहां लिख के वैल्यू ढूंढो, जैसे मैं रो का क्या हो, जैसे रो की क्या है, आर ए अपॉन एल, इसको उल्टा लिख दूं मैं तो ये एल अपॉन आर ए हो जाएगा, ऐसे पुट कर लो, यही तो है इसका इन्वर्स, तुम ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अब कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या बन जाएगी, वन अपॉन ओम इंटू मीटर, है ना, तो ये क्या हो जाता है, ओमेगा मीटर, ये पर कंडक्टिविटी से रिलेटेड नहीं, रेजिस्टिविटी से क्वेश्चंस आते हैं जनरली, और तुमने इसीलिए पिछले क्लास में बोला था ना सर इसको कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, तो कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी अलग है ना, जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग है वैसे ही कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अलग है ना, तो डेफिनेशन अगर लिखते हो तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे, अगर पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडक्टिविटी, तो तुम्हें ये चीज लिखनी होगी, वन अपॉन रेजिस्टिविटी और द ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस का ही स्पेसिफिक चीज रेजिस्टिविटी है वैसे ही कंडक्टेंस की स्पेसिफिक चीज कंडक्टिविटी है, वही 1 मीटर के क्यूब पे जो कंडक्टेंस होगा उसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो कंडक्टिविटी दे देगा हम लोग को, स्पेसिफिक दे देगा, स्पेसिफिक मतलब क्या, जब हम लोग 1 यूनिट 1 मीटर की बात करें, हाँ, एक वॉल्यूम की बात, मतलब 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम की, किसी भी चीज़ का 1 मीटर क्यूब ले लो, अगर 1 मीटर क्यूब नहीं है तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में करके फिर उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना, चलो तो रेजिस्टिविटी समझ में आई, चलो अब न्यूमेरिकल्स किए जाए। अच्छा रुक जाओ, पहले इससे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस को फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे, रेजिस्टिविटी को भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स नहीं, सेम चीज नहीं छाप सकते हो, अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी पहला हो जाएगा द सब्सटेंस, देखो हर सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, कॉपर की अलग है, गोल्ड की अलग है, आयरन की अलग है, जितने भी मेटल्स हैं सारे कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी अलग अलग है ना, सब्सटेंस टू सब्सटेंस मैटर करेगी, ठीक है, ईच सब्सटेंस, चलो यहाँ पे ईच वर्ड लिख दे रहे, ईच सब्सटेंस हैज अ डिफरेंट रेजिस्टिविटी, वेयर एज दो सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस इक्वल हो सकता है ना, पर रेजिस्टिविटी इक्वल नहीं हो सकती है, हाँ ये समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस दो सब्सटेंस का इक्वल हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस है क्या, अगर दोनों में मैंने लिख दिया वी बाई आई तो दोनों का मुझे सेम रेजिस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी अलग अलग हो जाएगा, हाँ और सेकंड सेम चलेगा, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स है जो रेजिस्टिविटी को चेंज करते हैं, और ये सिर्फ एप्लीकेबल है, ये वाला पॉइंट सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली फॉर कंडक्टर्स, है ना। सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में ये पॉइंट नहीं चलता है टेम्परेचर, उनमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी भी उसकी कम हो जाती है, ठीक है, उनमें थोड़ा डिफरेंट मतलब नेचर आता है। तो ये सिर्फ हमारा रिलेटेड है कंडक्टर्स के लिए ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लिखना। अगर पूछता फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस तो वो चार लिखोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी तो ये दो पॉइंट लिखोगे। नीचे चाहे तो तुम लोग स्टार बना के लिख भी लो, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हैव डिफरेंट, क्या डिफरेंट बिहेवियर्स, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में ईच और खराब कर दिया मैंने, ईच लिख दे रहा। ईच ये टेबल पूरी दी हुई है कि हमारा कंडक्टर्स में सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या है, कॉपर की क्या, कॉपर की याद कर लेना, कॉपर की याद कर लेना, आयरन की, ये दो की याद कर लेना। देखो बहुत ही कम रेजिस्टिविटी है, इसका मतलब बहुत ही कम हीट करेंगे ये, सबसे ज़्यादा होती है इंसुलेटर्स की। देखो वुड की कितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, हाँ बहुत गर्म हो जाता है, इसीलिए तो हम लोग रेजिस्टर यूज़ ही करते हैं, रेजिस्टर यूज़ करते हैं, MCBs यूज़ करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं इस काम के लिए, रेजिस्टर दिमाग में आ गया, फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूज़ भी रेजिस्टिविटी के ही कॉन्सेप्ट पे चलता है, उसमें एक ऐसी वायर लगा दी जाती है कि बहुत जल्दी हीट हो जाती है वो, तो अगर एक हाई वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आया उसमें तो करंट ज़्यादा दौड़ेगा, तो उतना करंट अगर नहीं मतलब 220 जैसे आपके में 200-300 एम्पियर आता है, उससे ऊपर 400 एम्पियर आ रहा, वो तुरंत पिघल जाएगा और आपका सर्किट में आगे नहीं जाने देगा, हाँ, तो फ्यूज़ चेंज किया जाता है। देखो देखो समझो, छोटा सा डिवाइस होता होगा, तुम लोग देखे हो कभी, शीशे का होता है और अंदर उसके एकदम माइन्यूटली देखो ना, तो एक वायर होती है पतली सी, कहाँ पे, ये फ्यूज नहीं है ये, अच्छा ये तो इंडिकेटर है, ये फ्यूज नहीं है, दोनों में से कोई नहीं, ये तो इंडिकेटर है, इसमें लाइट जलती है दिखाने के लिए कि लाइट आ रही है, ये तुम्हें दिखेगा थोड़ी ना लगा हुआ, ये तो तुम्हारे कनेक्शंस में जहाँ पे सर्किट बोर्ड होता है ना वहाँ पे लगाए जाते हैं फ्यूज। हाँ तो स्विच बोर्ड खोलना पड़ेगा तुम्हें, मतलब कहाँ कहाँ देख लिए, नहीं किस में दिख जाएगा तुम्हें, दिखाओ सर, ऐसे रहता है, ऐसा है, इसी में वायर लगी रहती है, वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे ये एक बहुत ही अलग चीज है,
हाँ, पर ये फ्यूज़ का बहुत ही महंगा वर्जन है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट के साथ डील करता है। मैं जो दिखा रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे करंट, हाँ ये सेम प्रिंसिपल पे भी काम करता है, लेकिन मैं बात इसकी कर रहा था। और ये जो छोटे छोटे वाले हैं ये स्विच बोर्ड्स के अंदर तुम्हें देखने मिलेंगे, जैसे इसी स्विच बोर्ड के अंदर ही तुम्हें दिख जाएगा। और ये क्या होते हैं जो तुम्हारे, ये तो तुमको बड़े बड़े जो सर्किट हाउस होते हैं, जो तुम्हारे घर का इलेक्ट्रिकल सर्किट हाउस होगा ना, वो होगा, वो ऐसे खोला जाता है। हाँ ठीक है, तो वही इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पता होती है, ठीक है। और पतला बनाने का क्या काम है, रेजिस्टेंस और बढ़े, है ना। तो ये पिघल जाता है और पैरेलल में, अरे सीरीज में लगा है तो यहाँ से यहाँ तक फिर करंट नहीं जा पाता है, ये ब्रेक कर देता है। तो पैरेलल होती है, इसीलिए लाइट फ्यूज होगी तो पंखा चलता रहेगा, सीरीज में लगा दिया तो कुछ भी एक खराब हुआ ना सब खराब। आप आपकी सीरीज में जो दिवाली की लाइट नहीं होती हैं वो होती हैं सीरीज में, तो एक भी लाइट खराब होती है, हाँ ये हम लोग आगे करेंगे। हाँ इसमें है, आपके कोर्स में है सब कुछ। हाँ ये है, पहले की होती थी, अब वो भी पैरेलल में कर दिए, क्योंकि एक भी टूटती है तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है, तो उसको भी पैरेलल, हाँ अब पैरेलल कर दिया गया। हाँ तो पूरी खराब हो जाती थी, हाँ तो अब समझदारी में आ गए कि अब उसको भी पैरेलल कर दिए हैं। हाँ एक ही खराब होगी तो एक ही रहेगी वो। हाँ ये बात भी है, कैसे बिजली दिखेगी क्या तुम्हें। चलो अब न्यूमेरिकल करो, दो ठो न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल, अब बल्ब, पहला न्यूमेरिकल लिखो, अब बल्ब व्हेन कोल्ड, इसको लिख भी दे रहा हूँ ताकि जो देख रहा है, अ बल्ब व्हेन कोल्ड कोल्ड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, फुल स्टॉप, इट ड्रॉज अ करेंट ऑफ 300 मिली एम्पियर व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 3 volts, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब when glowing and explain the difference, explain the reason behind this difference in resistance. ये है क्वेश्चन आपका, आंसर से बड़ा तो इसका क्वेश्चन ही है, आंसर बहुत छोटा सा है। कोल्ड कोल्ड कॉल कैसे, आप कॉल करेंगे बल्ब को। अरे तब भी यार राइटिंग मेरी इम्प्रूव की है ना, पहले स्लाइड पे देखो धीरे धीरे वो एनर्जी डाउन होती है, पहले स्लाइड पे वो होता नहीं कुछ आगरे का जैसे पेपर होता है, पहला पेपर अच्छी देखो, पहले में अच्छी राइटिंग होगी ये देखो। नहीं अरे मैं तो तुमको उसी क्लास में बता दिया कि नेक्स्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ ये डिजिटल बोर्ड में बहुत आसान है, वाइट बोर्ड, अच्छा वाइट बोर्ड, अच्छा वो वाला जिसपे, हाँ पहले वाइट बोर्ड ही लगा, इसके पीछे वाइट बोर्ड ही लगा हुआ है, इसके जस्ट पीछे वाइट बोर्ड ही है।
उसमें भी आसान है, पर चौक से लिखना, अरे बाप रे बाप। चौक का एक तो आपके कपड़े पे भी चौक आती रहती है। हाँ क्या क्या ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कटवाया गया है अभी तक? कुछ भी नहीं कटवाया गया, ये कर दिया गया है स्कूल में। अच्छा कटवा दिया गया है। तो हाउस होल्ड तो तीसरा है, मतलब पूरा करंट हो चुका है। हाउस होल्ड सर्किट्स तो लास्ट है, इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है। पर तुम लोगों को कुछ पता तो है नहीं। कैसा हुआ है? कौन पढ़ा रहा है स्कूल में? कौन पढ़ा रहा है स्कूल में? मिश्रा सर। क्या पूरा नाम तो बताइए। एसके स्टैंड्स फॉर सर। वाह काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो तुम लोग। तो कैसा पढ़ाते हैं इसके सर? लिखवाते हैं। पढ़ा लेंगे, आता है ये भी बहुत। असल में स्कूल के टीचर्स के बिना मजबूरी है। देखो हम यहाँ पे 5 स्टूडेंट में हम झेल जाते हैं इसके पीछे, पूरी क्लास का ही खराब। वो वहाँ 60 बच्चे बैठे हैं जिसमें से आधे इसी के जैसे हैं, तो कितना ही कोई झेल पाएगा? हाँ तो कितना इंसान झेल पाएगा? वो तुम्हें खुद नहीं पता। अच्छा इसका आंसर निकला तुम लोग सर? निकल गया? मैं सॉल्व करूं? डिफरेंस इन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस बता लिए तो टेम्परेचर भी बता लोगे। रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आ गया कितना है बता दो। तुम्हारा आया क्या? आया 10 ओम। ठीक है तुम्हारा क्या आया? दोनों लोग का गलत है, दोनों लोग का ही गलत है। मजाक कर रहा हूँ, दोनों लोग का सही है।
सही है सही है। अब रीजन बताओ। अच्छा ये मिली एम्पियर कितना होता है? वेरी गुड वेरी गुड। टेन थाउजेंड अपॉन वन माइक्रो है ना, वन अपॉन कुछ जाएगा ना, वो वन अपॉन कुछ जाएगा ना, माइनस में जाएगा। नहीं तुमने बोला 10,000 upon 1, वन अपॉन मतलब 1 upon 10 to the power 6। सिक्स 10 की पावर -6 वो जब मल्टीप्लाई करोगे तो। चलो रीजन तो बड़ा सिंपल है। पहली बात तो तुम लोग ने R ऐसे निकाला होगा, R इज इक्वल टू V बाई I, V डाला तुम लोग ने 3 वोल्ट, I डाला 300 इंटू 10 to the power -3। हाँ ऊपर जाके 3 हो जाएगा, सॉरी बस ये इसको लेता गया, ये इसको लेता गया, तो 10 ओम आया। और रीज़न है क्योंकि जब ग्लो करेगा ना तो ये बल्ब हीट अप होगी, तो जब टेम्परेचर में राइज आएगा तो इसीलिए रेजिस्टेंस में भी राइज आ गया। ये आंसर है। चलो दूसरा लास्ट न्यूमेरिकल, ये रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है। रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। हाँ ऐसे भी कह सकते हो। हाँ चलो न्यूमेरिकल बोलूं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर फुल स्टॉप। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस That is the rho of Cu is equal to 1.72 into 10 to the power -8 ohm meter. Okay, this is your homework. कर पाओ तो जल्दी से कर लो, नहीं कर पाओ तो घर पे बहुत टाइम है। लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास थोड़ी सी दिमाग वाली होने वाली है। कल तो हम लोग का टेस्ट है, कल बायोलॉजी का टेस्ट है, पूरा सिलेबस अभी तक जितना किया है, एंडोक्राइन भी आ रहा है।